हाय गाइस, मैं अरिजीत और आप देख रहे हैं अम्यूजिंग प्रोजेक्ट। इस वीडियो में थोड़ा नहीं बहुत कुछ है जिसे देख के आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा और रियल लाइफ में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो वीडियो के हर एक मोमेंट को आप फॉलो करते रहिए बिना किसी स्किप करते हुए। इसी वीडियो में मैं आप लोगों को पुश ऑन एंड पुश ऑफ एक स्विच बनाना सिखाऊंगा सिर्फ और सिर्फ एक मॉस्फेट से। क्या इंटरेस्टिंग है ना? सो वीडियो के हर एक मोमेंट को आप फॉलो करते रहिए। तो चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हो और वीडियो पहली बार देख रहे हो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल को जरूर सिलेक्ट करके रख दीजिए, क्योंकि मैं एक दिन के बाद एक दिन से चैनल पर मज़ेदार वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। IRFZ44N के पिन नोट आप देख सकते हैं, जिसका फर्स्ट पॉइंट गेट होता हुआ दूसरा पॉइंट ड्रेन होके तीसरे पॉइंट सोर्स में ख़त्म होता है। उसका नाम पुश स्विच को ले लेंगे और पुश स्विच के किसी भी एक पॉइंट को हम IRFZ44N के जो ड्रेन वाले पिन है उसमें हम सोल्डर कर देंगे और दूसरे पुश स्विच के एक पॉइंट को हम Z44N के जो सोर्स वाले पिन है उसमें सोल्डर कर देंगे और दोनों ही पुश स्विच के एक पॉइंट को हम एक साथ सोल्डर कर देंगे। उसके बाद हम इसमें 1 किलो ओम के डिस्टेंस को पुश स्विच में सोल्डर कर देंगे और 1K के दूसरे पॉइंट को हम IRFZ44N के गेट वाली पिन में सोल्डर कर देंगे। सो दोस्तों, ये सर्किट बन के रेडी हो चुका है। उसके बाद हम इसमें इसके पावर सप्लाई को कनेक्ट करेंगे। तो आप इसको एक बार ध्यान से देख सकते किस तरीके से मैंने इसको सोल्डर किया है। इसमें आप ज़्यादा लोड कनेक्ट करेंगे तो आप एक हीट सिंक का लगा लीजिए, वरना हीट से जो ये ट्रांजिस्टर मॉस्फेट ख़राब हो सकता है। और 12 वोल्ट का जो पॉजिटिव पावर सप्लाई आएगा वो आएगा ड्रेन वाली पिन में और मैंने इस काम के लिए 12 वोल्ट का LED यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे इसको मोटर में भी कनेक्ट कर सकते हैं। और 12 वोल्ट LED के जो पॉजिटिव वाली पिन है उसको हम IRFZ44N के जो सोर्स वाले पिन है उसमें हम इसको सोल्डर कर देंगे। सो सर्किट बनाना रेडी हो चुका है और इसमें हम 12 वोल्ट के बैटरी को यूज़ करेंगे। और ये बैटरी मैंने कुछ दिन पहले बनाया था, इसका लिंक आई बटन डिस्क्रिप्शन दोनों जगह पर प्रोवाइड है, जाके देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। उसके बाद सर्किट के पॉजिटिव पॉइंट में हम बैटरी के पॉजिटिव पॉइंट को और LED के नेगेटिव पॉइंट में हम बैटरी के नेगेटिव पॉइंट को लगा देंगे। चलिए इसको टेस्ट करके देखते हैं। मैंने जब इस स्विच को प्रेस किया तो देख सकते LED ऑन हो चुका है और उसके बाद दूसरे स्विच को प्रेस करते ही LED ऑफ हो चुका है। इसी तरीके से आप पुश ऑन एंड पुश ऑफ करके आप LED को ऑन या ऑफ कर सकते हो। इसमें ज़्यादा लोड कनेक्ट करोगे, मतलब आप 2 एम्पियर 3 एम्पियर इस तरीके आप लोड कनेक्ट करोगे तो आप ज़रूर एक हीट सिंक का लगा लीजिए, वरना हो सकता है आपका ये मॉस्फेट ख़राब हो सकता है। और दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बोलना मत भूलिए। तो फिलहाल तो वीडियो में इतना ही। पसंद आया तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं और नया वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।